जुमा शरीफ पहना हुआ था माशाल्लाह। और यहाँ पर शहीद भाई हुआ करते थे रहमानिया मस्जिद में दावत इस्लामी के, तो मैं छोटा सा था, वाइट सूट पहनकर, भाइयों में सबसे छोटा मैं था, तो दो बड़े भाई थे और एक छोटी सिस्टर थी, तो मुझे भाई अपने साथ उंगली पकड़ के मस्जिद में जुम्मा, तो मैं अप्पू के पास जाता था, फिर सब मुझे मुल्ला मुल्ला कहते थे, कलर बचपन में बहुत फेयर हुआ करता था, तो मैंने कम से कम वो दो ढाई साल मामा फिर और मेरे दादा हाजी मोहम्मद रमज़ान, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी रहमानिया मस्जिद में मौज़म की गुजारी माशाल्लाह, और कभी सैलरी नहीं दी उन्होंने, जो हदिया या नजराना दिया जाता था वो भी उसमें और मिला के मस्जिद में काम में। अच्छा, अभी रबीउल अव्वल शरीफ का महीना भी चल रहा है और आपके घर पे माशाल्लाह हर साल एक अजीम शान मिलाद का प्रोग्राम भी होता है, ये कितने साल से कंटिन्यू चल रहा है? ये मैं अपनी होशो हवास से 2001 से स्पेशली कैट कॉलेज सांगर से भी छुट्टी लेके आता था 10 दिन के लिए, ये चिरागा, और मैं आज MPA बना हूँ, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसी तुफैल के सदके और नबी के सदके से मैं इस चीज़ के अंदर, पार्टी की ज़रूर सपोर्ट है लेकिन सारा जरिया हमारा ही माशाल्लाह, और इसको मैं अपनी पर्सनली ख्वाहिश और खड्डे भी खुद करता हूँ और चिरागा भी, यहाँ तक कि इधर की सफाई वगैरह भी खुद करता हूँ, यहाँ के कई लोग हैं वो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं अच्छी तरीके से, और मैं दीन का कोई सा भी त्यौहार हो, मुहर्रम हो, रबीउल अव्वल हो, शब बारात हो, शब मेराज हो, मेरा घराना, मेरी होल फैमिली इसी फिरके से और इसमें आगे आगे होती हूँ, और हम हर चीज़ 10 दिन 13 दिन महीने इस तरीके से लंगर हम रखते हैं, और किसी के लिए कोई ये नहीं कि ये फना और ये फना, सब एक हिसाब से, कोई इसमें वो भी नहीं। अपने वालिद साहब की ज़िंदगी का कोई एक वाक्य ऐसा जो आप शेयर करना चाहें? मेरे वालिद साहब का वाक्या UC 16 के अंदर है कि आप उनको आज भी देखें तो उनकी यादगार तस्वीरें हैं कि वो खुद भी जिस तरीके से मैं पानी में निकलता हूँ तो वो खुद भी इतने इतने पानी में डूबे हुए होते थे, और कोई भी कभी भी किसी से किसी किस्म का कभी कोई झगड़ा नहीं, उनके खुद के अपनी इतनी सोर्सेज होने के बावजूद भी कभी पावर नहीं, और हमें सिर्फ वो यही नसीहत किया करते थे, बेटा नज़रों से नहीं गिरना है, सही मरना बेशक है लेकिन किसी से नजरें, और हम सिर्फ कोशिश ये करते हैं कि अपने वालिद का जितना भी हो हम उनकी इज्जत और उनके नाम को ऊँचा रखें माशाल्लाह। अच्छा, दीनी मुताले के हवाले से कोई आपकी है सिलसिला अमीर अल सुन्नत की कोई कुतुब और रसाइल उस दौर में पढ़ी हो जब आप ढाई साल का सबक रहे हैं, या अभी फिर वक्त टाइम निकाल के पढ़ी हो आपने कोई किताब? हज़रत साहब की तकरीबन किताबें और अक्सर शहरी के वक़ात में जो उनका दर्स हुआ करता था, जिस तरीके से वो वज़ू की दीनी तालीम दिया करते हैं वो बहुत अच्छी लगती है, और जिस तरीके से फैज़ान मदीना और